Hey guys, hello everyone, welcome back to the channel. So guys, आज हम लोग हेलो मूवी के एक सॉन्ग के बढ़िया करने वाले हैं और सॉन्ग का नाम क्या है? So उस सॉन्ग का नाम है ये वे वो, मतलब जिन्हों ने हमें मतलब ये गाना सजेस्ट किया है, मतलब कमेंट्स में ज्यादातर उनके यही रिक्वेस्ट होता है कि करो 50 में तो 20 कमेंट उनका ही होता है. सो थैंक यू सो मच हमें इतना रिक्वेस्ट करने के लिए. तो देखते हैं ये गाने में ऐसा क्या है जो हमें इतना रिक्वेस्ट किया गया है. सो ये फिल्म कब रिलीज हुआ? सो गाइस ये फिल्म रिलीज हुआ था 2017 में और 22 दिसंबर को. और गाइस इस मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनका नाम है विक्रम कुमार और इस मूवी का जो म्यूजिक डायरेक्टर वो है अनूप रूबेंस. एंड इस मूवी के कास्ट कौन कौन है? मैं डर गई अचानक से तुमने पूछा. सो इस मूवी के कास्ट है अखिल अकिनेनी जो सबको जाने वन ऑफ द फेवरेट है हमारे, उनके डांस उनके मूव्स ऑसम है. एंड जो को एक्ट्रेस मतलब जो लीड एक्ट्रेस है उनका नाम है कल्याणी प्रिया दर, मतलब जो एक्ट्रेस का नाम है शायद हमारा ये पहला कोई वीडियो था कल्याणी प्रिया दर के ऊपर, इससे पहले हम लोगों ने नहीं किया था. सो ये म्यूजिक मतलब ये गाने को किसने गाया है? सो गाइस इस गाने को जिन्होंने गाया है उनका नाम है अखिल अकिनेनी और जोनिता गांधी. तो देखते हैं अखिल अकिनेनी सर का मतलब जो सॉन्ग है वॉइस है कैसा होता है. एंड गाइस इस सॉन्ग के जो लिरिक्स है उनका नाम है चंद्र बोस का लिरिक्स सर का लिरिक्स बहुत अच्छा होता है. सो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अखिल अकिनेनी सबको पता है जैसा डांस करते उनका जैसा एक्टिंग है हमें बहुत पसंद है. अभी देखते उनका वॉइस कैसा है. सो गाइस ज्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं. पहले गिटार का ट्यून सुनके तो लग रहा है गाना बहुत अच्छा होने वाला है. ये वेमो कललु कन्ना ये वैपो कदुलु तुन्ना ఏమైందో తెలియకున్నా ఎన్నెన్నో జరుగుతున్నా ఏమో ఏమైందో నాలో గైస్ సబ్స్క్రైబర్స్ పే నియస్ మ్యాన్ ఏమో ఏముందో ఇక వాయిస్ బహుత్ హి జ్యాదా అచ్చే मुझे लगता है अकेले के नहीं जाता न्यू कमर्स के साथ ही करते हैं. मुझे अच्छा है ये चीज ना. बहुत डिफरेंट है इनका वॉइस ना, बहुत डिफरेंट है. वाओ घर कितना सुंदर है. ऑफिस है. ओ ऑफिस है. शायद उनके पापा होंगे. ये बाहुबली में थे ना? हेलो या फिर अलग हो गए? मुझे लगा सेम थोड़ा लगा. शिव गांधी देवी का बात कर रहे हो? हाँ. उनको ढूंढ रहे थे. पूरा एकदम लव सॉन्ग ही है. बहुत सुंदर है. बहुत उनका वॉइस ही बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है हाँ सच में. Yeah.
लाला सुंदर है जगह देखो दूसरा जगह देखो बैठ गया था क्या सिनेमेटोग्राफी है बहुत अच्छा है यार कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनाया है सो गाइस हम लोगों ने पूरा गाना सुन लिया है और गाना बहुत ही ज्यादा अच्छा था मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसमें कुछ ऑटो ट्यून या फिर म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड है उनका ही वॉइस एकदम पूरा फोकस में मुझे था इतना गूज़बम्स आ रहा था आप शायद मेरे मुझे नहीं पता मैंने कैसा रिएक्ट किया लेकिन सच बात बताऊं मैंने गाने को एंजॉय किया है जो गाना था ना जो सर का वॉइस था ओ माय गॉड एंड जो को एक्ट्रेस में जो लीड एक्ट्रेस थी बहुत ही अच्छा जा रहा था उनका कपल इतना रियलिस्टिक था ना मतलब जो सच में मतलब वो एक्टर रियल में जो होता है वो इतना अच्छे से वो लोग पोर्ट्रे कर रहे थे मतलब वाव था ये सॉन्ग एक वाव था मुझे इतना अच्छा लगा ना मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग ने सुना इतना बड़ा सॉन्ग था मतलब आवाज सुन के ऐसा लगा नहीं कि वो एक्टर है वो डांसर है वो सिंगर नहीं है लेकिन उनका वॉइस सुन के लगा फर्स्ट टाइम मतलब उनका शायद ये गाना किया हुआ फर्स्ट सॉन्ग हम लोग नहीं बोल रहे क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट सुना है तो उनका सॉन्ग बहुत ही ज्यादा हम लोग को अच्छा लगा सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज्यादा अच्छा था हम लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मेरा कॉन्सर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा पता नहीं मूवी कैसा है इससे पहले हम लोगों ने वो क्या मूवी था कौन सा जिसमें वो वाला सॉन्ग था क्या नाम था मिस्टर मजनू मिस्टर मजनू का भी बहुत सारा गाना हम लोग को बहुत अच्छा लगा ये बहुत सारे गाने बहुत अच्छे और अखिल अखिल नेनी का ये वाला हम लोग ने शायद सेकंड मूवी का कुछ गाना किया है हेलो मूवी का ये भी वो इट्स ऑसम सॉन्ग ऑसम सॉन्ग सच में एंड मतलब होता है ना जब कोई गाना आपको अच्छा क्यों लगता है सिर्फ सॉन्ग की वजह से नहीं आप कनेक्ट तब कर पाओगे जब आपको रियल चीज दिखेगा जो रियल लाइफ के साथ हम लोग का होता है ना वो अगर आप दिखाओगे ना तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करता है ऊपर से इतना अच्छा म्यूजिक ऊपर से इतना अच्छा सॉन्ग ऊपर से अखिल अखिल नेनी उसके साथ न्यू कॉमर मतलब वो चांस भी देते हैं और हाँ हाँ वो शायद न्यू कमर के साथ ज्यादा मूवी करते हैं क्योंकि सब डिफरेंट देखा है दो ही तो देखा है हाँ 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 इट्स ऑसम थैंक यू सो मच जिन्होंने भी हमें ये रिक्वेस्ट किया इट्स अ वर्थ इट सॉन्ग बहुत अच्छा लगा तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सामने जो बेल आइकन उसको दबाना मत भूलना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन में जाए हाँ गाइस ढेर सारे शेयर कीजिए ढेर सारे कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए एंड आपने हमें रिक्वेस्ट किया था आपको कितना अच्छा लगा हमारा ये रिएक्शन हमें जरूर कमेंट में बताना एंड जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि जितना शेयर होगा उतना हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तब शायद जाके हमारा वीडियो ब्लॉक नहीं होगा क्योंकि हमारे सारे इससे पहले भी हम लोग ने ब्रेकअप सॉन्ग जो किया था अर्जुन रेड्डी का वो ब्लॉक हो गया तो आपको वो इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो गाइस आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप लोग अपना रिक्वेस्ट वहां भी दे सकते हैं क्योंकि वहां पे हम लोग एक्टिव रहते हैं सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं टिल द नेक्स्ट वीडियो